Hi guys, it's Shivangi. Welcome to my channel Shivangi Sa Uncut. पता नहीं ऐसा क्यों होता है हमेशा जब भी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ मैं तभी अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ. बट एनीवे अभी आज का दिन थोड़ा स्पेशल है कि नहीं? बिल्कुल. सो आज हम जा रहे हैं अमर उजाला के ऑफिस क्योंकि वहाँ पे कुछ क्रिएटर्स मीट है एंड मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मॉर्निंग में कोई ऐसे इवेंट पे जा रही हूँ. एंड अभी ऐसे न्यू मैंने सब कुछ शुरू किया ना तो मुझे बड़ा ऐसे एक्साइटिंग लगता है कि ओ माय गॉड किसी ने मुझे इनवाइट किया, ओ माय गॉड मुझे जाना है, बाकी लोग भी आएंगे, नो सब. बट हाँ, अगर आपको ये लग रहा होगा कि अचानक से मेरा मूड इतना मोटा सा भी लग रहा है तो यार पता नहीं, मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है. एंड मेरी फैमिली में मम्मा के साथ भी नहीं होता, डैडी के साथ भी नहीं होता, बंटी मम्मा के साथ होता है कि हम ना जैसे सुबह उठते हैं मेरा फेस एकदम फुला हुआ होता है. आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्या ब्लड फ्लो होता है बॉडी में कि मुंह फूल जाता है यार, इतना इरिटेटिंग लगता है. बट एनीवे थोड़े टाइम बाद जब वो ब्लॉग की एंडिंग हो रही होगी तब आप देखोगे कि ये मुंह नॉर्मल हो जाएगा. एंड मैंने वापस से अपनी ड्रेस रिपीट करी है जो कि मैंने अपने बर्थडे पे ली थी. एंड मैं उन लोगों के एकदम खिलाफ हूँ जो बोलते हैं कि कपड़ा सिर्फ एक बार पहनना चाहिए क्योंकि उसकी फोटो आ चुकी है. तो क्या यार, पैसे दिए हमने, फ्री का तो है नहीं, तो आई एम गोना वेयर इट जितनी बार मेरा मन करेगा. मेरी मर्जी है अनवर भाई, जब आपको अर्जी ही नहीं आती. मेरी मर्जी है. आपके साथ एक थोड़ी ऐसे सेंटी चीज शेयर करूंगी विच इज कि ना मेरा एक और जगह इंटरव्यू हुआ था, मतलब इस बीच में थोड़ा ऐसा हो रहा है. एंड उन्होंने बोला था कि वो एयर होगा टीवी पे पर वो नहीं हुआ, मैंने बता दिया मम्मा. एंड यार मतलब हम जैसे लोगों के लिए जो कभी टीवी पे आई नहीं है, सच न्यूज़पेपर पे आना, टीवी में आना, ये बहुत बड़ी बात होती है. ठीक है, मैं आप ही मतलब हम सब सेम ही कैटेगरी के हैं कि नया नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं सब. तो मैं इतने टाइम से वेट करी थी आएगा आएगा आएगा. एंड जब भी ऐसी चीज़ें होती है ना मुझे बहुत डिसहार्टनिंग लगता है. एंड मैं मम्मा को यही बोल रही थी यार कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मतलब आप लोग जो देखते हो आपको लगता है हाँ यार सही हो रहा है इनके साथ तो ये हो वो, बट पता क्या मुझे सच में ऐसा फील होता है कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ, जितना हार्डवर्क मैं करती हूँ, उस हिसाब से ना मुझे रिटर्न मतलब नहीं मिल पाता. मुझे हर चीज़ के लिए थोड़ी ऐसे मशक्कत करनी पड़ती है तब जाके वो नॉर्मल चीज़ भी मुझे मिलती है. मम्मा क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हो कि नहीं? मतलब ये मेरे साथ होता ही है यार. बट ठीक है, आई हैव दैट फाइटर वाली स्पिरिट कि नहीं हो रहा तो मैं करके दिखाऊंगी. सो या मतलब इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ यार. एंड मैं बचपन से ना ऐसे इमेजिन करती थी कि कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है एंड मैं आंसर्स दे रही हूँ, मैं कैसे आंसर्स दे रही हूँ, वो सारी चीज़ें. तो इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. तो दिस इज द ऑफिस गाइस. या मुझे एक बहुत अजीब चीज़ पता चली है कि मुझे अभी मतलब मैंने मैसेज रीड किया तो उसमें लिखा हुआ है आई एम इन्वाइटेड एज अ स्पीकर. अरे मुझे बात नहीं पता थी. मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अब आप मुझे डांटने वाले हो कैमरे के सामने, अब डांट के दिखाओ. नहीं, अब नहीं डांटूंगी, फिर जाके डांटूंगी यार. बट मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है मम्मा? क्योंकि मैंने जब कहा था कि 11:30 बोला है, मुझे सुनाई दिया तो तूने कहा नहीं नहीं 11 जाना है, मैं तो तैयार हो गई हूँ. चलो गाइस अब निकलते हैं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है. मैं आपको मम्मा का और चीजें दिखा देती हूँ. मम्मा लग रही है बहुत ज्यादा क्यूट हूँ. वाओ, प्यार करवाने मेरे पास आ गया. मम्मा ने पहनी हुई है साड़ी एंड मैंने पहनी हुई है ड्रेस. इसको लेके भी बहुत ड्रामे हो रहे थे. मम्मा कह रही थी ये मत पहन, कुर्ता पहन के चली जा. मैंने बोला यार कुर्ता होना भी तो चाहिए ढंग का यार, मुझे ना कपड़े खरीदने पड़ेंगे, मेरे को लग रहा है मेरे पास कपड़े ही नहीं है. एंड जितने वो सब इतनी बार पहन लिए ना कि मतलब वो कपड़े बोल रहे हैं यार मुझे माफ कर बहन. मेरे और भाई बहन खरीद ले. दिस इज द ऑफिस गाइस. तो मुझे मिल गए हर्ष जी जिनके साथ मैं जा रही हूँ मेन एरिया में, यहाँ पे जाना है. So I am the first one. तो exactly होगा क्या मुझे पता नहीं है. अच्छा. Start किया. Okay. But ये तो मैंने already बताई भी है ना. अच्छा. तो ये क्या आप newspaper पे publish करेंगे? कि क्या जर्नी थी? मतलब बेसिकली कि इन्फ्लेशन मीट है आप सबके साथ मिलके. आगे दिल्ली एनसीआर के एडिटर भी होंगे. अच्छा. फिर बात करेंगे आप लोगों से, वो पूछेंगे. ठीक है, हमारे रिपोर्टर भी होंगे प्रगति मिश्रा है, वो पूछेंगे आपसे कि आप कैसे आप सक्सेस मंत्र बताएंगे लोगों को, मतलब एक तरीके से यूथ को मोटिवेट करने के लिए. अब मेरी मम्मा भी यहाँ पे आ चुकी है गाइस. एंड यहाँ पे मुझे मिली है आपका नाम. हेलो प्रगति. प्रगति, इनसे मेरी इतनी ज़्यादा बातें होती जा रही हैं. मैं इनसे पूछ रही थी कि किन किन
एक्टर्स एक्ट्रेसेस पॉलिटिशियंस से मिली हुई हैं। तो ये मिली हुई है योगी जी से, मोदी जी से, आयुष्मान खुराना से, कार्तिक आर्यन से, एंड ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब शुरू हुआ मुझे पता लग रहा था अंदर से कि देखना मुझसे शुरू होगा, मुझसे हो गया, बट ठीक है। तो सबसे आगे बैठे हाँ, क्योंकि मुझे आगे बैठने का ही बड़ा शौक होता है, बट मुझे प्रॉब्लम नहीं होती अगर मैं स्टार्ट करूँ। बट ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि अब ज़्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, तो मैंने जल्दी कंप्लीट कर लिया। एंड फिर मैंने ऑफकोर्स कुछ पॉइंट्स मिस कर लिए, बट ठीक है, इट वॉज गुड ना। ठीक। अब मम्मा कैमरे के सामने बोले नहीं, बता दो। हाँ, बहुत कुछ मिस किया था तुमने। जैसे कि चाहती थी कि लोगों एजुकेट हो आर्ट एंड डिजाइन को लेके। नहीं, यू डिड नॉट एक्सप्लेन देम प्रॉपर्ली। ठीक है ना मम्मा, मुझे लगा कि जल्दी होगा। अब अपना कमियां मत निकालो। अभी तो पूछा तो नहीं, कमी नहीं बताओ मुझे, मैंने बताया। हाँ सॉरी बताओ, चलो अच्छे से। अब नहीं बताओ। बट ठीक है, ओवरऑल इट वाज गुड, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कुछ खाने को मिलेगा। हाँ, मिलना तो चाहिए था, है ना? तो जब हम जाते थे तो हमें मिलता ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ, तो मतलब ऐसे स्नैक्स थे, होने चाहिए थे। Very bad, but anyway, no complaints. It was a good event, and I am glad ki Noida mein bhi aise initiatives hone shuru ho gaye hain for content creators. Okay, guys, so this was it for today's video, and do let me know in the comment section below how did you find the video today. Mere liye bahut different experience tha, kyunki bahut badi baat hoti hai yaar ek normal se insaan ko aisa platform milna, and kal shayad newspaper mein bhi aayega, agar aata hai to main attach kar dunga.